आज शाहीन बाग के धरने को 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। उस धरने के कारण लाखों लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है। दिल्ली से लोग नोएडा नहीं जा सकते, फरीदाबाद के लोग नोएडा दिल्ली जाने में बड़ी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, कई कई घंटों का जाम लग जाता है। और ये जो धरना जो चल रहा है, ये धरना रोड रोक कर धरना हमने कहीं नहीं देखा, ये कानून के एकदम खिलाफ है। यदि आदमी को कहीं धरना देना है, वो रामलीला मैदान जाए, जंतर मंतर जाए, लेकिन ये CAA के नाम पर सारे राष्ट्र विरोधी सोच वाले लोग शाहीन बाग में इकट्ठे हो गए। शाहीन बाग में देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, शाहीन बाग में भारत को तोड़ने की बातें कही जा रही हैं, आसाम को भारत से अलग करने की बातें कही जा रही हैं। और उसी बातों पर कायम रहते हुए शाहीन बाग के लोगों ने नोएडा को, उत्तर प्रदेश को दिल्ली से तोड़ने की कोशिश की, दिल्ली से उत्तर प्रदेश को काटने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ नाकाम रहे। लेकिन फिर भी कोर्ट ने भी बोला, दिल्ली पुलिस ने भी उनसे हाथ जोड़कर भी विनती की कि आप रोड को खाली कर दीजिए। आज हिंदू सेना ने बीड़ा उठाया है। 2 फरवरी को हिंदू सेना ने सभी आसपास के गांववासी, क्षेत्रवासी, ओखला विधानसभा के सभी लोगों को 11 बजे शाहीन बाग रेड लाइट सरदा बिहार पर बुलाया है। हम इन जिहादी गद्दारों को शाहीन बाग से, जो रोड पे कब्जा कर रखा है, हम उनको वहाँ से हटाएंगे, वहाँ से रोड से उनको खदेड़ दिया जाएगा।